सुन के तो सच्ची में ये सुन के ना मुझे बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील हो रहा था कि मैंने क्यों उसको ऐसे बोला था हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल तो कैसे हैं आप सभी लोग आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे गए और ये देखिए सुबह का माहौल आज बने हैं सुबह बबरू क्योंकि सभी की फरमाइश थी आज सुबह हमने खाने हैं बबरू मैं सुबह ही अगले ही दिन आ गई थी मायके से वापस तो आपको ये आगे देखेंगे आप देखोगे कि क्यों मैं आई थी ये देखिए तब तक आप सुबह का नाश्ता देखिए मेरा बड़े बड़े फूले फूले से बबरू बने हैं आज सुबह के लिए सभी की फरमाइश थी तो मैंने कहा ठीक है आज सभी की फरमाइश पूरी की जाएगी तो इसीलिए मैंने आज बबरू बनाए थे थोड़ी देर इनको आटे को रेस्ट पे रखना पड़ता है जब तक ये बन ना जाए उसके बाद ही उसका काम बनना शुरू होता है बनाने का तो यहाँ भैया मेरे साथ शूट कर रहे थे तो यहाँ पे मैंने बबरू बनाए थे साथ में बनाए थे थोड़े से आलू सूखे जो अभी दूर किए हैं उसका बर्तन तो मैं आपको शाम नहीं दिखाऊँगी तो अभी सिर्फ बबरू ही दिखाऊँगी और सिमिया और मम्मी बाहर बैठे हैं इसी में मम्मी को बोल रही है कि दादी मुझे दुल्हन बना दो तो मम्मी उसको दुल्हन बना रहे हैं वो भी आप आगे की क्लिप में थोड़ा सा देख लोगे और ये सुबह का मैंने थोड़ा सा आपके साथ शेयर करा है खाना पीना अपना तो होते तो गर्मी में बहुत हैवी होते हैं बट कभी कभी कोई बात नहीं कभी कभी महीने में एक बार खाने में कोई दिक्कत नहीं है तो काफ़ी अमेजिंग और टेस्टी बने थे तो चलिए देखिए कैसे बनने जल्दी से ते हैं कि क्या वो रीज़न है जिसकी वजह से मुझे जो अगले ही दिन वापस अपने ससुराल आना पड़ा तो वैसे तो बहुत बड़ी बात नहीं है बट ऐसा है कि मैंने सोचा नहीं था कि मुझे इस तरह से ही अगले ही दिन वापस आना पड़ेगा क्योंकि मैं तो काफ़ी दिनों के बाद गई थी क्योंकि जब से सम्या के मुंडन का फंक्शन का सब कुछ डिसाइड हुआ था उसके बाद मैंने जाने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा तो हाँ बीच में एक या दो बार गई थी मैं दिन 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 में ही यू काम के सिलसिले में तो अब मैंने सोचा था कि मैं बैठने के लिए जाऊंगी तो मैंने कहा था मम्मी मैं चार पाँच दिन रह के ही आऊँगी तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है कोई बात नहीं तू रह के आना क्योंकि सिमक के मुन्न के बीच में जो भी घर के काम होते हैं जो हम घर में काम लगाते हैं या जो भी फंक्शन की तैयारियां होती हैं उनमें बीच में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है जाने के लिए तो इसीलिए मैंने चार पाँच महीने तक जाने के बारे में मैंने मम्मी से नहीं कहा तो मुझे भी ठीक नहीं लग रहा था क्योंकि नेचुरल सी बात है कि घर में फंक्शन हो तो टाइम नहीं लगता है कहीं जाने का तो अब सब कुछ ख़त्म हो गया था सब कुछ अच्छे से हो गया फंक्शन भी हो गया घर में माता का फंक्शन माता का भी जो भी हमने रखा था वो भी अच्छे से हो गया तो अब मैं गई थी रहने के लिए तो मैंने आपको फ़र्स्ट तो ब्लॉग दिखाया था जिस दिन मैं गई थी वहाँ मेरी दादी वगैरह और दाए गाय का सब कुछ मैंने अपनी चाची वगैरह का थोड़ा बहुत आपको दिखाया था और उसके बाद भी मैंने बहुत कुछ सोचा था क्योंकि उसके नेक्स्ट डे ही हम लोग घूमने जाने वाले थे तो वो सारा कुछ अच्छे सा वीडियो बहुत आपको देखने को मिलना था बट रीज़न 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 कहूँ या ज़िद कहूँ या फिर बचपना कहूँ जिसकी वजह से ऐसा पंगा हो गया मैंने आपको बताया भी था कि मैंने अपनी फ्रेंड को भी फ़ोन करा था कि यार मैं आई हूँ तो प्लीज़ आप लोग भी आ जाओ तो मेरी फ्रेंड ने तो उस टाइम मना कर दिया था बट मुझे वो भी बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा उसके बारे में सुन के तो सच्ची में ये सुन के ना मुझे बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था कि मैंने क्यों उसको ऐसे बोला था क्योंकि मेरी फ्रेंड का कल ही मुझे फ़ोन आया था कि तू आई है तो मैं भी आ गई हूँ तेरे कहने पे तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी कि हाँ वो भी आ गई है बट मैंने उसको कहा यार तू तो आ गई बट मेरी प्रॉब्लम ये होगी साथ में कि मैं घर में वापस आ गई हूँ तो वो कह रही क्या तू तो कह रही थी कि मैंने कुछ दिन रहना है मैंने कहा हाँ मेरे रहने तो था बट हो गया कुछ पंगा जिसकी वजह से मैं आ गई वापस तो वो कह रही थी चल ठीक कोई बात नहीं बट मैं तेरे कहने पे ही आई थी मैंने कहा चलो वो भी आई उसके साथ मिल लेते हैं तो अपनी फैमिली में इन्वॉल्व होने के बाद ना बहुत ही कम टाइम मिलता है अपने फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर करने का तो वो बेचारी टाइम निकल के आई थी बट हो गया ये कि मेरी सीमिया मैडम नहीं बैठ रही थी बहुत ही ज़्यादा तंग कर रही थी जब से मैं गई थी उस टाइम से ही उसका वो रोना शुरू हो गया था कि मम्मा प्लीज़ घर चलो मुझे यहाँ पर नहीं रुकना है नहीं रुकना हालांकि वहाँ पर बहुत बच्चे हैं मेरे भैया के बच्चे हैं वहाँ की लड़कियाँ हैं और भी बच्चे मेरी मासी की बच्ची भी आई थी वो भी थे तो पाँच छः बच्चे हो गए थे बट वो होता है ना कि बच्चों को एक ज़िद एक बार ज़िद पकड़ ली कि मुझे नहीं जाना है तो नहीं जाना है ए फर्स्ट दिन तो वो बिठाए बट रात के टाइम उसका वही रोना शुरू हो गया था कि मामा मुझे घर जाना है मुझे दादी के पास जाना है मैंने उसकी फ़ोन पे भी बात कराई थी और वहाँ भी वो सारे बच्चे भी कह रहे थे कि हम भी अपनी नानी के घर जाते हैं तो हम लोग भी बैठ के आते हैं तो तू तु, तुझे क्या हो गया सिमिया तो तू क्यों नहीं बैठ रही है तो सिमिया तो किसी की बात सुनने को राजी नहीं थी अपने पापा को तो बोल रही कि पापा आप रात को ही चलो वापस मुझे घर जाना है तो बड़ी जिद करके उसको एक दिन हमने वहाँ पे स्टे करवाया तो नेक्स्ट डे भी उसने सुबह से ही यही रट पकड़ी हुई थी कि मुझे घर जाना है तो फिर मैंने क्या किया मैंने उसके पापा को कहा कि आप इसको थोड़ी देर घर छोड़ के आओ तो शायद थोड़ी देर उसका मुंह ठीक हो जाएगा तो दादू ना सॉरी दादी और भैया से मिलेगी तो उसको ठीक लगेगा तो उसके पापा उसको छोड़ भी आए थोड़ी देर के लिए छोड़ आए तो उनका फ़ोन उसी टाइम मुझे आ गया कि अब यहाँ भी नहीं बैटरी बोल रही है कि मुझे अब मम्मा के पास जाना है तो मैंने सोचा यार ऐसा क्या अब अब तो क्या करूँ उसको दादा दादी भी चाहिए थी उसकी मम्मा को भी चाहिए थी तो बीच में तो मैं फंस गई कि अब मैं क्या करूँ तो शाम के टाइम ये उसको तैयार करके वापस ले आए बट उसका वहाँ आने का उसके उस टाइम तो उसका मूड बिल्कुल ठीक था मुझे पता है कि वो अब ठीक है क्योंकि बच्चों के साथ आते ही खेलने उसने शुरू कर दिया बट थोड़ी देर बाद जब शाम का टाइम होता है ना तो वो फिर से वही अपना रोना शुरू कर देती थी कि मम्मा मुझे घर जाना है प्लीज़ मुझे घर ले चलो तो फिर मैंने इसके पापा को कहा कि क्या फ़ायदा है इसे रहने का क्योंकि ये नहीं बैठने देगी और वहाँ पर भी मेरे सारे नाराज़ हो गए मेरी दादी और चाची मेरा सभी की अभी मत जा तू इतने दिनों बाद आई है थोड़े दिन तो रुक तो मैंने कहा बैठने को तो मैं बैठूँ बट बच्चा ही नहीं बैठ रहा तो मैं कैसे बैठूँ तो सीमा को बहुत मनाया सब कुछ खाया चीज़ी वगैरह खिलाए घूमने भी ले गए थे बट उसका दिल नहीं वहाँ लग रहा था तो मैंने ही डिसाइड कर लिया मैंने इसको पापा के कहा कि यहाँ रुकने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो नहीं बैठेगी मुझे पता है वो बहुत ज़िद्द करती है क्योंकि आजकल के बच्चे बड़े ज़्यादा ज़िद्दी हैं किसी की बात नहीं मानते हैं उनको जो चीज़ चाहिए वो चाहिए होती है तो फिर हमने यही डिसाइड करा कि हम घर ही चले जाएंगे क्योंकि यहाँ रहने से तो वो नहीं खुश रही है क्योंकि रो ही रही थी ना कुछ खा रही थी ना पी रही ना दूध भी नहीं पी रही थी तो मैंने कहा इस तरह से इसकी तबीयत खराब हो जाएगी तो हम दोनों ने ही नहीं ये सोचा कि हमें घर जाना ही बेटर रहेगा तो मैं अगले ही दिन शाम के पाँच बजे तक घर आ गई थी बस घर आने के बाद तो मैडम बिल्कुल खुश है अब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है कहीं जाना हो तो कल भी मैं और सिमय के पापा गए थे अपने फ्रेंड के यहाँ धाम खाने तो वहाँ भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है जाइए कोई बात नहीं पता है कि शाम को घर के घर में ही वापस आना है उसका बस यही एक मोटिव होता है कि आप जाओ बट वापस घर में ही आओ लौट के बस अगर घर में ना हो तो बस वो डिस्टर्ब हो जाती है और सभी को तंग करने लगती है अब जैसे हम सभी घर में हैं तो उसको कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वहाँ तो मेरे चाची प्यार बोल रहे थे कि तू अपने घर चल जा हम अपनी बेटी को यहीं पर रखेंगे तो वो चिल रही थी कि मेरे को नानी ऐसे क्यों बोल रही है तो बच्चे की बच्चे की जिद के आगे ना तो बड़े बड़े फेल हो जाते हैं तो हमारी मेरे साथ भी यही हुआ तो मेरी ही मम्मा कह रहे थे अभी घर में जब आई तो बोल रहे थे तू ऐसे दिन दिन में चला जाया कर रात में ये नहीं बैठती है तो कैसे बैठानी है बच्चे की बात है कहीं बीमार वगैरह हो जाए तो और प्रॉब्लम हो जाएगी वैसे भी करोना है उसको भी सर्दी लगी है अभी नाक में बिल्कुल ना बंद हो गया उसका नाक भी तो थोड़ा वो भी उसका ध्यान रहे और मेरी भी थोड़ी तबीयत खराब है मुझे भी थोड़ा सर्दी सा लग रहा है मुझे तो बस यही था मुझे अपनी फ्रेंड का सब में बड़ा ज़्यादा बुरा लगा बेचारी वो आई बट मैं नहीं थी तो शायद उसका भी बुरा लगा होगा उसने मुझे फ़ोन करा था कल कि मैं आ गई हूँ तू भी आ जा अब बट मैंने कहा अब मैं चली गई हूँ तो वो भी कर रही क्या है तू चली गई मैं अपने घर से तेरे लिए स्पेशली आई और तू चली गई मैंने कहा क्या करूँ यार बच्चों की बात है वो किसी की नहीं सुनते हैं तो तेरी मेरी क्या बात है उसकी भी छोटी सी बेटी है बड़ी क्यूट है वो भी तो सोचा था उसके साथ भी मिल लूँगी क्योंकि फ्रेंड के साथ मिलना हर किसी को पसंद है और उसकी बड़ी सिस्टर भी आए थे हमारे तीनों की हम तीनों की प्लानिंग हो गई थी कि हाँ हम सभी मिलेंगे बट मिलना तो ठीक था सब कुछ अच्छा सा होना था आज भी मैंने वहीं होना था बट मैडम जी नहीं बैठे थे जिसके वजह से मुझे वापस आना पड़ा तो यही बात थी जो वो मैंने आपके साथ शेयर करी है गाइज़ और प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो वॉच किया करे गाइज मैं सच्ची में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होने लगी हूँ क्योंकि वीडियो डेली अपलोड कर नहीं कर पाती हूँ एक दिन छोड़ के करती हूँ बट रिस्पॉन्स एकदम ज़ीरो है और मोस्टली मुझे मंथ कहूँ या ईयर कहूँ वन ईयर कम्प्लीट होने वाला है तो कुछ दिल ठीक नहीं है अब मेरा तो थोड़ा माइंडेड डे बाई डे बढ़ता जा रहा है तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी आपको अपनी इमोशन बताऊंगी क्या क्या आजकल मेरे दिमाग में चलती है बातें तो इस वीडियो को यहां पे क्लोज़ करूंगी गाइस आपके साथ मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ अब तक के लिए बाय और प्लीज़ वीडियो वॉच किया करें बाय